पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों की फीस लेते हैं पूरे महीने की, और कभी छुट्टी ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने पास से एक्स्ट्रा टाइम उनको देते हैं, लेकिन होता ये है कि कभी कभी बच्चे अपने पास से ज़्यादा छुट्टियाँ कर लेते हैं, तो इस सूरत में क्या उन बच्चों को पैसा वापस लौटाना होगा। तो एक महीने में कॉमनली जितनी छुट्टी जनरली चलती हैं, कि जैसे हफ्ते में एक हॉलीडे होता है संडे का, तो वो तो एक जनरल बात है कि उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पूरे महीने में एक आधा एक्स्ट्रा और भी छुट्टी हो जाती है तो इतना भी जो है ना एवरेज पढ़ाई के मामले में चलती है कि स्टूडेंट हो या टीचर कभी ना कभी महीने में उसको इमरजेंसी आ सकती है, तो उसके लिए बच्चे को एक्स्ट्रा पैसे देना या एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि सिलेबस पूरा कराने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए तो एक अलग बात है, और अगर उस टाइम में सिलेबस पूरा हो जाएगा एक आध छुट्टी एक्स्ट्रा हो जाने के बाद भी, तो भी उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन बच्चा ज़्यादा छुट्टी अपने पास से करता है तो फिर टीचर को एक्स्ट्रा टाइम देने की या उसके पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे ने अपनी तरफ से छुट्टी करी है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम देके सिलेबस पूरा कराना चाहे तो उसकी मर्ज़ी।